रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नित्या एक सुलझी हुई समझदार लड़की थी। संस्कार तो उसमें इतने थे कि जो भी उससे पहली बार मिलता उसके गुणों का कायल हो जाता। उसके संस्कारों के चर्चों के चलते एक मोहन नाम के लड़के का उसके लिए रिश्ता आता है, जहाँ मोहन अपनी माँ संगीता संग नित्या को देखने आता है। उनके आते ही नित्या चाय नाश्ता लाकर उनके सामने रखकर साइड में चुपचाप खड़ी हो जाती है, जिसके बाद नित्या की माँ अनुराधा कहती है, बहन जी ये है हमारी बेटी नित्या, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अरे अरे बहन जी, इतना सुना है हमने नित्या बेटी और उसके गुणों के बारे में कि अब कुछ पूछना बाकी ही नहीं है। अब बस अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद कर ले तो मैं ये रिश्ता आज ही पक्का कर दूं। माँ मुझे तो नित्या बहुत पसंद आई, आज के समय में इतनी संस्कारी और सुंदर लड़की को मैं क्या कोई भी नापसंद नहीं कर सकता। लो बहन जी अब तो रिश्ता पक्का करके जाओ आप। एक बार नित्या बेटी की भी हाँ सुन लीजिए आराधना जी। अरे बहन जी मेरी बेटी में मेरे संस्कार है और वो अपनी माँ के फैसले को कभी नहीं झुकलाएगी, है ना नित्या? जी माँ जैसा आपको सही लगे। नित्या के जवाब के बाद संगीता रिश्ता पक्का करके चली जाती है और दोनों ही घरों में शादी की तैयारियाँ जोरों शोरों से चलने लगती है। कुछ ही हफ्तों में शादी का दिन आता है और मोहन बारात लेकर नित्या के घर आता है। बाजों गाजों के साथ शादी की सभी रस्में होती है और जब दुल्हन को लेकर मोहन अपने घर आ रहा होता है तभी रास्ते में अचानक ही बाइक पर दो हथियारों के साथ लोग आते हैं और मोहन की गाड़ी को रोककर उसको बाहर निकालकर गोली मारकर चले जाते हैं। ये नजारा देखकर नित्या तो दहल सी जाती है। ससुराल में नित्या अपने पति की लाश के साथ आती है, जहां मोहन की माँ रोते हुए अपने मरे हुए बेटे से लिपट कर बोलती है, मोहन बेटा मोहन ये क्या हुआ, मैंने तुझे बहू को लाने भेजा था लेकिन तू इस तरह मेरे पास वापस आएगा मैंने सोचा नहीं था। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मोहन जी को बचाने की बहुत कोशिश करी पर अचानक से कुछ लोगों ने आकर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। नित्या की ये बात सुनकर संगीता की एक पड़ोसन बोलती है, देखो तो कैसे बहाने बना रही है, बताओ बीवी होकर पति को मरने दिया, कैसी अशुभ लड़की को घर लेकर आई है संगीता बहन। चुप रहिए, अरे इस लड़की की क्या गलती है, इसकी तो नई जिंदगी की शुरुआत थी, अपने पति के साथ गृह प्रवेश करने की जगह ये उसकी लाश लेकर यहाँ आई है, कैसा लग रहा होगा इसको, क्या बीत रही होगी इस पर, ये आपने सोचा? संगीता अपनी बहू को लोगों के तानों से बचाते हुए उसका साथ देती है। दोनों सास बहू खुद को संभालते हुए मोहन का अंतिम संस्कार करते हैं। पुलिस उस मामले की जांच करती है लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। मोहन की मौत के कुछ दिन बाद अनुराधा अपनी बेटी से मिलने आती है और अपनी बेटी को गले लगाकर रोते हुए कहती है, बेटी ये क्या हो गया तेरी जिंदगी में, मेरी बच्ची तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बहन जी आप तो जानती हैं नित्या की शादी को एक दिन भी नहीं हुआ कि उसका पति चल बसा, जानती हुए आपके लिए बड़ी दुख की घड़ी है लेकिन मैं अपनी बेटी को वापस ले जाने आई हूँ, कृपा करके उसे मेरे साथ भेज दीजिए। माँ ये क्या कह रही हैं आप, मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने मोहन जी के साथ शादी की थी वो पति थे मेरे, क्या हुआ अगर हम एक दिन भी साथ नहीं रहे, लेकिन मैंने उनके साथ साथ फेरे लिए थे, उनकी पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपनी सास की सेवा करूं उनकी गैर हाजिरी में, मेरे संस्कार मुझे ये करने की इजाज़त नहीं देते। बेटी आज तूने साबित कर दिया कि सच में तेरे संस्कार बहुत ऊँचे हैं, इतनी कम उम्र में अपने पति को खोने के बाद भी तो उसकी बूढ़ी माँ के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान करना चाहती है। आप मेरी भी माँ है माँ जी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। नित्या के शब्दों को सुनकर संगीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहू को माथे से चूमते हुए गले लगा लेती है। अब दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं, दोनों सास बहू एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी गुजार ही रही थी कि एक दिन अचानक रमन नाम का लड़का उनके घर आता है। उसे देखकर संगीता बोलती है, तुम कौन हो बेटा? आंटी जी मैं रमन हूँ, मोहन का दोस्त,
कुछ समय से देश से बाहर था, आज ही लौटा हूँ। सोचा मोहन को मिलाऊं, इसलिए यहाँ आया। कहाँ है वो? संगीता उसके पूछने पर कुछ नहीं कहती और बस अपनी आँखों में आंसू झलकाने लगती है। ये देखकर रमन दोबारा कहता है, क्या हुआ आंटी जी, आप रो क्यों रही हैं? रमन के इतना बोलते ही संगीता के पीछे से नित्या आकर उससे कहती है, एक माँ से उसके मरे हुए बेटे के बारे में पूछोगे तो वो तो रोएगी ही ना, और आप उनके दोस्त हैं तो आपको पहले ही पता होना चाहिए था कि एक महीने पहले ही उनकी मौत हो गई। क्या? मोहन इज नो मोर। आई एम सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था सच में, पर ये कैसे हुआ और कब हुआ? रमन के इतने सवाल देखकर संगीता उसको अंदर बुलाकर सब बताती है, जिसके बाद रमन संगीता को गले से लगाकर सहानुभूति देते हुए कहता है, आंटी जी आपका एक बेटा मरा है लेकिन आपका ये दूसरा बेटा जिंदा है, आपको मेरे होते फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मोहन मेरा जिगरी दोस्त था, उसने मेरे लिए बहुत किया, अब मेरी बारी है। रमन के ये शब्द संगीता और नित्या को तसल्ली देते हैं। ऐसे ही अब गुजरते वक्त के साथ रमन का आना जाना घर में बढ़ता है और नित्या भी अब उसके साथ बातें करके खुश रहती थी। ये देखकर संगीता एक दिन रमन से अकेले में कहती है, रमन बेटा जब से तुम आए हो ना इस घर में ऐसा लगता है कि मोहन लौट आया है, लेकिन बेटा फिर भी एक कमी है जो मोहन के ना होने से पूरी नहीं हुई। बताइए ना आंटी, मैं उस कमी को पूरा करूँगा। मेरी संस्कारी बहू की मांग सुनी है, क्या तुम उसे दूसरी शादी करोगे? उसकी जिंदगी में मेरे बेटे के जाने से कमी सी है, थम सी गई है उसकी जिंदगी। जो हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं था, फिर भी वो इस चीज की सजा भुगत रही है। लेकिन आंटी ये कैसे हो सकता है, मैंने कभी नित्या जी को उस नजर से नहीं देखा। बेटा नित्या बहुत संस्कारी और अच्छी है, और सच में उसके और मोहन के बीच तो कभी पति पत्नी वाला रिश्ता भी नहीं बना। ये बात नहीं है आंटी, लेकिन नित्या जी कभी इसके लिए नहीं मानेंगी, उनके संस्कार उनको दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं देंगे। रमन की बात सुनकर संगीता को भी यही लगता है कि नित्या इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगी, लेकिन वो अपनी संस्कारी बहू की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, जिसके लिए वो नित्या को मनाने के लिए एक दिन उससे कहती है, बहू मुझे तुझसे एक चीज चाहिए, मुझे देगी? माँ जी मुझे भागन के पास आपके सिवा कुछ नहीं है, फिर भी आप बोलिए, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं मना नहीं करूँगी। बहू तू रमन से दूसरी शादी कर ले, वो मेरे मोहन की याद दिलाता है मुझे, अगर तू उससे शादी कर लेगी तो मुझे लगेगा मुझे मेरा मोहन वापस मिल गया। माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरे पति मोहन जी थे और उनके जाने के बाद उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। बहू तुझे मेरी कसम, अगर तू इस बुढ़िया को खुश देखना चाहती है तो इस दूसरी शादी से इनकार मत कर। संगीता की कसम के चलते नित्या को उसकी बात माननी पड़ती है और वो रमन से शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में संगीता अपने ही घर में नित्या की दूसरी शादी की तैयारी शुरू करती है, और शादी के दिन जब नित्या दुल्हन बनी अपने कमरे में होती है तो वहाँ रमन आकर उससे बोलता है, नित्या जी मानता हूँ ये सब बहुत जल्दबाजी में हुआ, लेकिन हुआ वही जो हमने प्लान किया था, है ना? हाँ मेरी जान, आखिर इतनी मेहनत के बाद मुझे मेरा प्यार मिलने वाला है। सच में इतना कुछ नहीं करना पड़ता अगर तुम्हारी माँ शादी के लिए मान जाती, लेकिन उन्होंने मना किया और तुम ठहरी संस्कारी लड़की, उनके कहने पर किसी और से शादी कर ली। उनकी बात मानकर मैंने अपने संस्कार दिखाए और तुम्हारे साथ मिलकर मोहन को मारकर अपना प्यार साबित किया। रमन और नित्या बातें खत्म कर मंडप में आते हैं, जहां संगीता पूरे विधि विधान से उनकी शादी करवाती है, और जब नित्या और रमन उसका आशीर्वाद लेने आते हैं वो उनसे बोलती है, आशीर्वाद की जरूरत नहीं है मेरी संस्कारी बहू, तुझे तेरी दूसरी शादी करवा कर मैंने एक सास का फर्ज पूरा किया, और अब तुझे तेरे इस नए पति के साथ जेल भेजकर मैं एक माँ का फर्ज पूरा करूँगी, जिसके एक लौते बेटे को तूने इसके साथ मिलकर मारा है। आ जाइए इंस्पेक्टर साहब। संगीता के बोलते ही कुछ पुलिस वाले घर में आते हैं और नित्या व रमन को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद संगीता अपना फोन देते हुए उसमें कमरे के अंदर की बातें रिकॉर्डिंग द्वारा पुलिस को सुनाती है और सबूतों के साथ अपनी संस्कारी बहू को अपने घर से विदा करती है। तब वो एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की थी जिसको देखकर
अच्छे अच्छे चक्कर खाकर गिर जाया करते थे, पर तब्बू को शुरू से ही लड़कों की तरह बन ठन कर रहने की आदत थी और वो लड़कों की तरह ही खाती उठती बैठती और लड़कों के बीच में ही ज्यादातर टाइम रहा करती। पर लोग उसकी एक आदत का बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, वो थी उसकी खुली टांगे, क्योंकि वो जब भी बैठती या चलती तो अपने टांगों को खोल कर ही चलती या बैठा करती थी। जिस पर एक दिन उसका दोस्त अनूप उससे बोलता है, क्यों तब्बू, तू लड़की है और लड़कियां जैसे कपड़े भी पहनती है, उनकी तरह सुंदर भी है, पर तू हम लड़कों की तरह क्यों चलती है टांगे खोलकर? हाँ यार तब्बू, तू लड़की है, थोड़ा तो लड़कियों जैसा अपने अंदर गुण ला, थोड़ा शर्माया कर। अब क्या यहाँ शर्मा कर बताओ, तुझे दिमाग तो ठीक है ना तेरा? गुस्सा क्यों कर रही है यार, बस समझा ही तो रहा हूँ तुझे। देख टेढ़ी बात तो कर मत, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती, तो अच्छा यही है कि तुझे जो भी बोलना है ना साफ साफ बोल दे। देख यार, हम बस यही बोलना चाहते है कि तू ये अपनी टांगों को खोल कर मत चला कर, अच्छा नहीं लगता, मर्दाना सा लगता है बहुत। तो तुम्हारे सीने में क्यों आग लग रही है? अरे खामखा गुर्दे लाल हो रहे हैं तुम सबके। ऐसे ही तब्बू की अपने दोस्तों से लड़ाई हो जाती है और वो उस दिन से उनसे बात करनी बंद कर देती है और एक दिन अपनी दोस्त शिवानी से मिलने क्लब जाती है, जो कि काफी दिनों के बाद इंडिया आई थी। वही क्लब में शिवानी का एक दोस्त भी आता है, जो तब्बू को शॉर्ट ड्रेस में देखकर उस पर फिदा हो जाता है और तब्बू के पास जाकर उससे बोलता है, हेलो हाउ आर यू? फाइन बट हु आर यू? मैं शिवानी का दोस्त नील, मैं काफी देर से देख रहा था कि आप किसी से बात ही नहीं कर रही हैं, बस चुपचाप यहाँ अकेली खड़ी हैं। वैसे आप बुरा ना माने तो मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? तब्बू, और मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है, इन दोगुले लोगों से तो ना दूरी रहना चाहिए। ऐसा मत बोलो, दोस्त अच्छे होते हैं, एक दोस्त ही तो होते हैं जिन्हें हम खुद चूज करते हैं, बाकी सब तो हमारे पैदा होते ही मिल जाते हैं, ये सारे रिश्तेदार जो बस हमारा खून पीने की सोचते रहते हैं। I'm impressed. तुम इंसान भी अच्छे लगते हो और बातें भी अच्छी कर लेते हो। तब्बू उस पार्टी में शिवानी और नील से ही बात करती है और बात करते करते वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं और थोड़ी देर बाद तब्बू अपने घर जाने लगती है, जिस पर नील उसे रोककर बोलता है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तब्बू उसके साथ उसकी बाइक पर बैठकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। एक दिन नील रात को तब्बू को बुलाता है और उसके हाथों में रिंग पहनाकर उससे कहता है, I love you. तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, या तुम मेरी बनना चाहोगी? मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा, वादा। I love you too. मैं हमेशा तुम्हारी बनकर रहूंगी और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक दूसरे को अपने दिल की बात बताकर वो दोनों हाथ पकड़कर बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं और तभी नील तब्बू को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे पर किस करता है, साथ ही उसके होठों को भी चूमता है, जिसके बाद वो दोनों अपने इस पल को खूब एंजॉय करते हैं। वक्त बीतता जाता है और उन दोनों का प्यार भी गहरा होता जाता है। एक दिन वैलेंटाइंस डे पर वो दोनों अपने इस प्यार भरे दिन को अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए लॉन चले जाते हैं। तभी तब्बू एक ब्यूटीफुल सी शॉर्ट ड्रेस पहनकर लड़कों की तरह बैठ जाती है और उसे ऐसे देखकर नील का दोस्त आशु तब्बू पर कमेंट पास करते हुए बोलता है, ओ भाई, बाइक की माल का तो माल दिख रहा है, पर जो भी हो मजे आ गए, आंखों को ठंडक मिल गई है, सही लड़की पसंद की है नील भाई ने, फुल मजे हैं तेरे तो। नील उसकी बातें सुन लेता है और गुस्से में उनसे कहता है, क्या कमेंट पास कर रहा है तू मेरी तब्बू को देखकर? हाँ साले तेरी आंखों को बहुत ठंडक मिल रही है, बेशरम भाभी है तेरी। भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो बेकार में ही गर्म हो रहा है, शांत हो जा। मजाक कर रहा है? अभी बताता हूँ मैं तुझे मजाक क्या होता है, साले मुंह तोड़ूंगा तेरा दोबारा बकवास की तो, समझा? नील सबके सामने आशु को मारने लगता है पर तब्बू उसको रोक लेती है और कहती है, तुम एक अच्छे इंसान हो और इन बुरे लोगों को मार कर तुम बुरे मत बनो, इन जैसे लोगों का तो काम ही यही है, आए दिन किसी न किसी से पिटते ही रहते हैं। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही हम जैसे लड़के बहकते हैं,
पहले तो खुद लड़कों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हो और फिर मासूम बन जाती हो। अरे इतनी ही सही हो तुम, तो सही से क्यों नहीं बैठती? क्यों हम लड़कों को अपने अंदर का माल दिखा रही हो? अगर कुछ बोलने या संभालने का शौक है ना, तो अपनी बंदी को संभाल, समझा? इतना बोलकर आशु वहाँ से चला जाता है और नील भी गुस्से में तब्बू का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है और उस पर चीखते चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी इज्जत की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है क्या? तुम जैसी हो मैंने तुम्हें वैसे अपनाया, कभी कुछ नहीं बोला, पर क्या तुम मेरे लिए खुद को थोड़ा बदल नहीं सकती? पर मेरी गलती क्या है? आखिर तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो और वो भी इतने गंदे तरीके से? नील और तब्बू की लड़ाई बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे से गुस्सा होकर बातें करनी बंद कर देते हैं। पर नील तब्बू को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उससे माफी मांग लेता है और अपनी माँ विभा को तब्बू के बारे में सब बता देता है। कुछ ही दिनों बाद विभा उन दोनों की कोर्ट मैरिज करवा देती है, पर शादी के बाद तब्बू को कुछ पता ही नहीं होता कि एक आदर्श बहू की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिस पर विभा उससे कहती है, देख बहू, तू पहले क्या करती थी क्या नहीं करती थी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तू अब इस घर की बहू है और तेरा बहू होने के नाते इस घर के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, ठीक है? और हाँ, डर मत, मैं तुझे सब कुछ सिखाऊंगी। सबसे पहले कि तू ये जो लड़कों की तरह टांगे खोल कर बैठती है वो बैठना छोड़ दे बेटा। बहू की तरह, एक लड़की की तरह जैसे बैठते हैं उस तरह से बैठना सीख। और अब से तू ये छोटे छोटे कपड़े नहीं बल्कि एक संस्कारी लड़की की तरह और एक बहू की तरह साड़ी पहनेगी। माँ जी, पर मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, मैं तो हमेशा से ऐसे ही रहती हूँ, ऐसे ही चलती हूँ, ऐसे ही बैठती हूँ। आज तक मुझे किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं, आप जैसी किसी माँ का हाथ नहीं था मेरे सर पर। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं हूँ ना, मैं सब सिखा दूंगी, बस कुछ दिनों की बात है, सब सीख जाएगी तू। विभा तब्बू को एक अच्छी और संस्कारी लड़की की तरह सब कुछ सिखाना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में वो अपनी टांगों को भी खोल कर चलना बैठना सब बंद कर देती है और एक खुली टांगों वाली से एक बहुत ही अच्छी और समझदार बहू बन जाती है, जो अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी उठा लेती है। और अब नील की भी सारी शिकायतें बिल्कुल खत्म हो जाती है और सभी लोग तब्बू का मजाक बनाना भी बंद कर देते हैं, जिसके बाद नील और तब्बू अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये खुली टांगों वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे यूं ही लड़कों की तरह पैर खोलकर चलने की आदत हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।